यहाँ पर नैब के चेयरमैन को काबू करके 4 साल नाम नियाद एहतसाब करती रही और एक केस भी ना बन सका, क्योंकि ना हमारी हुकूमत में करप्शन थी, ना हुई, ना उसका सबूत था। तो आज अगर इस मुल्क को चलाना है, इस इदारे को ख़त्म करना होगा और सदर साहब को अपनी आईनी जिम्मेदारियाँ, इखलाकी जिम्मेदारियाँ और मुल्क के सदर होने का एहसास होना चाहिए। मुल्क का सदर मुल्क के इमदाद में रुकावट नहीं बनता, सहूलत पैदा करता है। हमारा सदर आज हर तरह से मुल्क के मामले में रुकावट बन रहा है। ज़रा आपका साल रह गया है, ज़रा तारीख को देखें कि तारीख आपको किस किन अल्फाज में याद रखेगी। जो मुल्क का नैब का चेयरमैन 8 महीने डेली वेज पे काम करके अब घर जा चुका है, मैंने पहले भी कहा है, एक आदमी जो खुद एहतसाब के निज़ाम का जिम्मेदार रहा हो, आज अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करे और अपने असासे इस मुल्क के अवाम के सामने रखें, ताकि अवाम को पता चले कि आपके असासे हैं क्या। जो आदमी एहतसाब कर रहा हो, वो खुद अपने आप को एहतसाब से बाला समझता है। ये रवैये जो हैं, वही मुल्क के इदारों की तबाही का बायस बनते हैं। जनाब अफजल साहब, इमरान खान साहब का पहले दिन से रवैया रहेगा झूठ पे झूठ बोला जाओ, हर रोज बोले जाओ। इसी झूठ ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया है। जो आपने वायदे साइन किए IMF के साथ, उस पर आप पूरा ना उतर सके। जो आपने वायदे साइन किए, उनकी नफ़ी नहीं की, उन वायदों को तबाह किया और इसके असरात जो मुल्क की मईशत पर पड़े हैं, वो पाकिस्तान बड़ा अरसा भुगतता रहेगा। आज मुश्किल हालात में ये हुकूमत उन मामलों को तय कर रही है और इंशाअल्लाह इन मामलों को हल करेगी, लेकिन इसका बोझ आज भी पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं और कल भी करना पड़ेगा। बड़े मुश्किल फैसले हैं जिसकी तकलीफ इस मुल्क के अवाम को इमरान खान ने दी है, अपने माशी पॉलिसियों की नफ़ी करके, जो IMF के साथ वायदे किए उसकी नफ़ी करके, आज मुल्क की मईशत को वहाँ पर ला खड़ा किया है जो शायद तारीख में कभी नहीं थी। लेकिन ये हुकूमत काम कर रही है, इंशाअल्लाह मसाइल को हल करेगी और हमारी अवाम से हमेशा यही गुजारिश रही है कि ये वक्ती तकलीफ बर्दाश्त करके इंशाअल्लाह हमने पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम भी देना है और तरक्की भी देनी है। देखिए, जब मुल्क के हुक्मरान मुल्क की मईशत के ख़िलाफ़ फैसले शुरू कर लें, जब वो दुनिया के इदारों से वायदे करके उनकी नफ़ी कर दें, उनको तोड़ दें, उन पर कायम ना रह सकें, तो एतमाद ख़त्म हो जाता है। उस एतमाद की कीमत आज पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम अदा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये इस्तेहकाम बहाल किया जाएगा। मुश्किल फैसले मैंने पहले कहा और मुश्किल फैसलों का बोझ पाकिस्तान के अवाम पर ही पड़ता है, लेकिन इंशाअल्लाह आप बतदरीज तरक्की भी देखेंगे और इस्तेहकाम भी देखेंगे। बहुत सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शाहिद खान अब्बासी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्या सदर साहब मुल्क के सदर हैं या किसी जमात के कारकुन। आज अगर मुल्क को चलाना है तो नैब को ख़त्म करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा सदर आज हर सतह पर मसाइल की वजह बन रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो शख्स खुद एहतसाब के निज़ाम का जिम्मेदार रहा हो, उसे खुद को भी एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का शुरू से रवैया झूठ बोलना रहा। आज मुश्किल हालात में हुकूमत मामलों को हल कर रही है, हुकूमत अवाम के मसाइल को हल करने के लिए काम कर रही है और इंशाअल्लाह जल्द इनका हल निकाल लिया जाएगा। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्या सदर साहब मुल्क के सदर हैं या किसी जमात के कारकुन हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा सदर आज हर सतह पर मसाइल की वजह बन रहा है। आज अगर मुल्क को चलाना है तो नैब को ख़त्म करना होगा। जो शख्स खुद एहतसाब के निज़ाम का जिम्मेदार रहा हो, उसे खुद को भी एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान साहब का शुरू से रवैया झूठ बोलना रहा। आज मुश्किल हालात में